की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज ड्राफ्टिंग एंड ब्लाउज कटिंग सीखेंगे 32 चेस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज का पीस है हमारा। सबसे पहले हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। 32 चेस्ट के लिए हम ये 10 इंच लिए हैं और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा रहेगा और ये हमारा पीछे का पल्ला है। फिर यहाँ से हम कंधा नापना स्टार्ट करेंगे। 5.5 इंच नापेंगे। ये कंधा हमने 5.5 इंच लिया है। ये आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। फिर यहाँ भी हम 5.5 करके इसको इससे मिला देंगे। फिर इसकी यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम गला नाप लेंगे। हम गोल गला कटिंग करेंगे इसका। इसकी लंबाई हम गला की लंबाई हम 8 इंच रख रहे हैं। फिर यहाँ भी हम 2.5 इंच नाप लेंगे इस तरह से। इस वीडियो में बस हम ब्लाउज का ड्राफ्ट बनाना और कटिंग सीखेंगे। और यहाँ भी हम 1 इंच का गोलाई डाल देंगे। अगर आपको ब्लाउज सिलना देखना है तो हमारे आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम 1/2 इंच का ये हाफ कटिंग डाल देंगे कि हमारा गला नहीं गिरता है इस तरह से कटिंग करने से। ये ब्लाउज का ड्राफ्ट बन गया। अब इसको कटिंग कर देंगे और ये हम निशान भी लगा लेंगे पीछे वाले भाग में। 4 इंच यहाँ नापेंगे और ऊपर से 9 इंच। ये पीछे का निशान भी लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। हम काट लेंगे इस तरह से। अब ये हम आर्म होल काट लेंगे इस तरह से। ये फिटिंग वाला निशान हम नहीं काटेंगे। 2 इंच छोड़कर ये जो हो गया ये हम पीछे का पल्ला निकाल लेंगे। ये जो निशान है दोनों तरफ इस तरह से करके छाप देंगे इसको। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। और ये अब आगे का पल्ला में निशान लगाएंगे। होल में 1/2 इंच का छांट डाल देंगे। अब इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हम आगे का ये 4 टक्स का निशान हम लगाएंगे। ऊपर से सबसे पहले हमने 9 इंच नाप लिया है। इधर से हम 4 इंच देख लेंगे कि इधर से 4 इंच पे ये निशान है। और फिर हम इसको
डेढ़ डेढ़ इंच पे ये सभी निशान को हम कर देंगे। और ये वाला इधर इस तरह से हमने चारों तरफ से वाला निशान लगा लिए हैं। अब ये हमको काटना था आधा इंच का गहराई काटना था बाजू में, तो ये काट लेंगे हम इस तरह से। अब इसी ये चारों का इधर भी हम इस तरह से छाप लेंगे। इस तरह से आसान रहता है हमारी, इधर नहीं होता है इस तरह से छापने से। देखिए साफ पता चल रहा है इसमें। इधर भी निशान लग गया। अब ये हम अलग अलग कर देंगे इसको। ये पीछे का पल्ला हो गया, ये आगे का पल्ला। अब इसको मशीन पे स्टिचिंग कर लेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।